ओए होए 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 छतरी इजाद की है, यहाँ पर छतरी बनाई है BMW की, तो सौदा बनाई थी MQM की जानिब से। अच्छा, इस मस्जिद के बाद काफी सारे हिस्से होते चले गए। बहुत ही गंदा इलाका हो रहा है ये तो। यहाँ पे पार्क हुआ करता था, पता नहीं भाई, पार्क की हालत भी बहुत खराब हो रही है। जानवर बन जाएंगे। ओए होए ओए होए 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 होए, क्या हाल है दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तो उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए क्या बूंदे पड़ रही हैं और वो जा रही काली छतरी, और थोड़ा सा करीब ले लेता हूँ, एक क्लिप इनके साथ भी शेयर कर लेते। ओह हो, इसी तरह मशगूल ना हो जाइएगा। ये देखिए बच्चे क्रॉस कर रहे हैं कि आप बस बारिश के अंदर भगाए जा रहे हैं, जल्दी से निकल जाऊँ, तो ऐसा नहीं है भाई, स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे निकल रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, बच्चे ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आप अगर बाइक भगाने में मशहूर हो जाएंगे तो ये इस तरह नहीं चलेगा। और BMW ने जो छतरी ईजाद की है, यहाँ पर छतरी बनाई है BMW की, तो उसका मज़ा ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि BMW ने किस तरह से इतनी महंगी ये BMW। अच्छा, बाइक वाला ना अब महरूम ही रहेगा BMW से, छतरी ले लें, मज़े करें BMW की छतरी। लेकिन एक बात भी है कि अगर BMW का छाता और टैक्स खुलेगा, उसका खाता आप लोगों के जिम्मे में आ जाएगा, तो ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। टैक्स फ्री छतरी है, BMW ले लें और बदमाशी से घूमें कि कोई टैक्स नहीं है हम पर। और आज टैक्स के ऊपर ही जंग चल रही है, हड़ताल चल रही है, और मैं देख रहा हूँ कि बारिश के अंदर लोग महरूम हो चुके हैं हलवा पूरी से, और ब्लैक में हलवा पूरी मिल रही है, वो देखिए, इसको कहते हैं ब्लैक में हलवा पूरी मिल रही है, बाहर बंदा लेके आ रहा है पुड़ियाएं और दे रहा है। ओहो, पेट्रोल पंप भी बंद है। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि पेट्रोल पंप भी बंद है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ओह बच्चे की छतरी तो भाई उल्टा छाता जिसको कहते हैं, हवा तेज़ होती जा रही है और बारिश भी होती जा रही है। तो दोस्तों ये आई छतरी और वो आ रहे रॉन्ग। आज मुबारक हो, बिल्कुल मुबारक हो, छतरी पूरी उड़ गई है इस बच्चे की। तुम्हारी छतरी तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, ऊपर जा रही है। दोनों भाई बहन क्या ये लोग छुप गए छतरी के पीछे। ज़बरदस्त बारिश, ठंडी ठंडी बूंदे, और पीछे से बारिश आ रही है भाई, मेरे दोस्त को लग रहा है कि उसके पीछे से बारिश आ रही है। और ये आ रहा ब्लैक छाता, और ये BMW क्या है, ये वही है BMW है नहीं? वाह 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 वाह, जबरदस्त बारिश, वो पीछे से कोई आ रहा है चपाटर धक। और आज मैं अपने सामान को इस तरह से ढक के निकला हूँ, और शॉपर में मैंने लपेट लिया है सब चीज़ों को, और ये जा रहे हैं बच्चे, और इनके पास छतरी नहीं है भाई, छतरी नहीं है, और बच्चे जो हैं स्कूल से वापस आ रहे हैं, और कुछ स्कूलों की हो गई थी छुट्टी। हाँ भाई, भीग गए पूरे, गीले हो रहे हैं बच्चे, और छतरी कहाँ है तुम्हारी, छतरी कहाँ है, छतरी नहीं लाई, अरे छतरी नहीं लाई, बच्ची जो है छतरी नहीं लाई आज, और वो उसका भीगने का मूड था। और ये आए सब्जी वाले और बनियान बन के घूम रहे हैं, वाह भाई, और वजन बढ़ गया होगा पानी पड़ पड़ के, और यहाँ पर लोग ले रहे हैं बस शेल्टर के नीचे। ओ तो ये देखिए दोस्तों, पानी अच्छा खासा खड़ा हो गया, और पानी के अंदर मैं खुद खड़ा हो गया हूँ। तो इस वक्त हम आपको बैक साइड दिखाते चले, पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि आगे तेज़ बारिश होगी, वहाँ पर और भी पानी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा सांस लेंगे, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सांस ले लूं। और मेरे दोस्त की हालत जो है ख़राब हो चुकी है, वो इस वक्त बस शेल्टर के अंदर खुद भी खड़ा हो चुका है। और दोस्तों देखा आप लोगों ने, पानी था ना,
ऐसा लग रहा था पानी के अंदर जा रहे हैं। जबरदस्त तेज बारिश, जबरदस्त तेज बारिश होने लगी है और आपको दिख रहा होगा कि बूंदे पड़ रही हैं, टपटप टपटप। तो साथ ही साथ दोस्तों आप देखते चलेंगे कि कासिम होटल और दमथल आ गया है और दमथल जो है बिल्कुल फुल एंड फुल चल रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त हलवा पूरी है। बुक्का चौक की तरफ जा रहा हूँ। अरे जाइए जाइए, कौन किसने आपको रोका है? हाँ हाँ वो नताशा ना, वो बहुत तेज लागे जिसके पीछे से मार दिया था बेचारे। भाई बच्चे ऐसी नताशा है, बहुत सारी है कराची। बिल्कुल बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुक्का चौक की तरफ से टर्न लेते हैं, क्या कह रहे हो? मुक्का चौक की तरफ से अंदर की तरफ जाएं क्या? यार अंदर की तरफ नहीं, आप आगे लो, आज हरीदाबाद की सैर करते हैं। तो चलिए हरीदाबाद की सैर करते हुए हम लोग बाहर निकलेंगे फाटक से, रेलवे फाटक का किसी जमाने में वहाँ पे, वो भी आपको दिखाऊंगा। अरे वही रेलवे फाटक की बातें हो गई हैं। और इस वक्त जो है कारोबारी सूरत हाल बिल्कुल बंद है यहाँ पर मुक्का चौक पे, तो मैं कह रहा हूँ बंद है। और वो जो मुक्का चौक का मुक्का था ना, वो इस वक्त गायब हो चुका है। अयूब खान साहब का मुक्का था, गायब कर दिया गया इस मुक्के को। और इस चौक का नाम था लियाकत अली खान, लियाकत अली खान चौक था। और वो मुक्का भी लियाकत अली खान का था, मुक्का भी लियाकत अली खान का था, चौक भी लियाकत अली खान का है, ये शहर भी लियाकत अली खान का था। क्योंकि लियाकत अली खान हमारे लीडर थे और बहुत ही फेमस और आवाम के लिए जान देने वाले शख्स। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अनवर एटोल दिख रहे हैं भाई, तो मैं अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था। पीछे मेरे दोस्त बैठे हैं कैसर खान और बीप डॉट टीवी से ताल्लुक, खूबसूरत आवाज़, नया उभरता हुआ बंदा है और नया उभरता हुआ जो जोश है ना, वो जोश मार रहा है इस वक्त बारिश के अंदर। लियाकत अली खान की बातें कर रहे थे, लियाकत अली खान बानियों में से हैं और इस वक्त जो जद्दोजहद के बाद, उन्हीं की जद्दोजहद के बाद जो आज हम आपको शहर दिखाते हैं, इसमें व्लॉग कर रहे हैं, तो नो डाउट किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को शायद ना बताओ कि ये सब किसकी बदौलत है। तो वही तो भाई, अब हम शौदाए यादगार पर पहुंच चुके हैं। आप भी दिखाएं भाई, ये शौदाए यादगार पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोग आते हैं भाई तफरियां करने। और ये वो यादगार है, सौदा बनाई थी एमकेएम की जानिब से, सियासी पार्टी की जानिब से। और वो कौन सी वाली एमकेएम थी उसका जिक्र तो आप लोगों को पता ही होगा सब कुछ। अब तो दो धड़े बना दिए हैं, लंदन और एमकेएम पाकिस्तान। और उसके बाद काफ़ी सारे हिस्से होते चले गए और मुस्तफ़ा कमाल अलग चले गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान और फिर लंदन वाला जिक्र आया। और मेरा दोस्त किसी फाटक की जिक्र कर रहा था, कहाँ पर है फाटक? आप यहाँ गलत आ गए ना, उल्टे हाथ पे ले आप। तो चलिए भाई उस तरफ चलते हैं। और ये परेशान खड़ा है, अच्छा इस मस्जिद के जो कि तबलीग करने जाते हैं बिल्कुल पूरी दुनिया में। अच्छा अच्छा, ये अल्ला वाला चौक है, इसके बिल्कुल सामने मस्जिद है। अच्छा, ये अल्ला वाला चौक कहलाता है। और यहाँ पे आगा खान कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद रहती है और माइनियों की तादाद भी रहती है। अच्छा, मिक्स लोग रहते हैं। तो दोस्तों मेरा दोस्त बता रहा है कि यहाँ पर इस्माइली और आगा खानी जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं और दूसरे इलाकों के बनस्बत।
चूँकि सदर में भी मैं देखता हूँ कि आगा खानी भी मौजूद हुए हैं और कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं। सदर में जो एक कम्युनिटी है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा पाई जाती है, तो इस वक्त हम बोरा कम्युनिटी और इस वक्त जो है हुसैनाबाद के करीब फूड स्ट्रीट के करीब मौजूद हैं और रात को यहाँ से ही गुजर हुआ था भाई। बिल्कुल, अभी हम अंदर जाएंगे और अभी पार्क हुआ करता था, कैरम बोर्ड पार्क बहुत फेमस था, मुस्तफा कमाल साहब ने बनवाया था। वो वहाँ क्या कैरम बोर्ड खेलते हैं लोग? नहीं नहीं, वो बेसिकली उसका एक वहाँ पे पहले ना कैरम लगी हुई थी, तीन से चार कैरम लगे हुए बड़े वाले भी, डब्बू डब्बू जिसे कहते हैं, तो कैरम बोर्ड पार्क नाम दे दिया गया था। अच्छा, वो जो डब्बू होते हैं ना, वो कैरम बोर्ड नहीं होता, वो डब्बू होता है ना, ये थोड़ा मिडिल क्लास, आप ये कहें कि थोड़ा पोश एरिया में आता है, इससे आगे जाएंगे तो थोड़ा मिडिल क्लास में आया था, क्योंकि वो भंगोरिया गोट मोहम्मदी कॉलोनी, तो मोहम्मदी कॉलोनी भंगोरिया गोट वो थोड़ा उसमें आ जाता है मिडिल, डब्बा हार्ट हॉस्पिटल से क्या और डब्बा हार्ट हॉस्पिटल और यहाँ से ही हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। आपकी जेब खाली कर देंगे, जेब ऐसी खाली करेंगे आपकी, तो बस आप रो रो के जाएंगे यहाँ से, और अपना बंदा भी अल्लाह माफ़ करे, बस मैंने तो आज तक कोई ऐसा केस सुना नहीं है कि यहाँ से चल गया वो कोई गया बंदा। और हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल के सामने पानी भी बहुत है, पानी बहुत ज़्यादा है, और ये 8 नंबर के लाता है, 8 नंबर लाल किला वाली गली, 8 नंबर लाल किला, और लाल किला के नाम से ये वो लाल किला तो नहीं है ना भाई, ये वही लाल किला है जहाँ पे एक सियासी पार्टी के सदर वो ये सरबरा खिताब किया करते थे, और ये रोड चाहते था, मैंने ऐसी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, ये रोडें मैंने शीशे की तरह चमकते हुए देखी अपने बचपन में, और आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन ये हकीकत है। तो दोस्तों, आज शीशे की तरह मेरा दोस्त कह रहा है कि शीशे की तरह चमकने वाली जो सड़कें हैं वो इस वक्त नज़ारा कर रही हैं, मुंतज़िर हैं वो कि उनसे कोई, ये कौन सा पार्क है, ये जो लाल किला ही है, और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल एजुकेशन, और ये दोनों परेशान ना जाने क्यों खड़े हुए हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, एक ही कलर में, और इधर ब्राउन कलर, और हर कुत्ते की टांग क्यों टूटी हुई है भैया, बहुत ही गंदा इलाका हो रहा है ये तो। कादर साहब, ये एक वक्त का ये पोश इलाकों में शुमार होता था अजीजाबाद के, और अभी भी ये पोश इलाकों में यहाँ पे आपको 3-3.5-4 करोड़ का। अच्छा, जो काम करने वाले हैं वो रूपोश हो गए? कौन सा काम करने वाला, रूपोश हो गए वो, बारिश होती है तो वो छुट्टियों ले लेते हैं हमारी अलमिया है ना, वो बस अल्लाह तबक्कल चल रही है, उनका खुद का कोई विजन है नहीं। तो साथ ही साथ मैं दोस्तों को बताता चलूं कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बस बुराई नहीं, जो हकीकत है तो वो बयान कर रहे हैं साहब। तो अभी सीधा जाएं, ये 4 नंबर है, हाँ आप अभी हम सीधा जाएंगे किसान, और ये रोड बिल्कुल सीधी कॉम्प्रिहेंसिव पे निकल गई है, ये वाला रोड, हाँ, और ये भी हम भंगोरिया गोट में दाखिल हो गए। तो आ गए हैं इस वक्त दोस्तों भंगोरिया गोट के अंदर, और भंगोरिया गोट का नाम हम अक्सर वीडियो में लेते हैं कि भंगोरिया गोट से होके कभी आगे की तरफ पढ़ेंगे, तो आज इत्तेफाक हो ही गया है। ये अगर कोई पुराना अंसर साहब का ब्लॉग देख रहा होगा तो वो इस इलाके को बखूबी जानता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं भी जानता होगा तो हम दिखा रहे हैं ना उसे। 87 और 90 के दौर के अंदर ये इलाका बड़ा फेमस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे सियासी पार्टी का बहुत ही असर रसूख था, स्टार्ट होती थी, ये वही इलाका है। ओ, इस वक्त हम सियासी पार्टियों के बीचों बीच घिरे हुए हैं, बिल्कुल सामने इमाम बारगा, ये भी बहुत पुराना इमाम बारगा है, पहले ये पूरा कच्चा हुआ करता था, अभी आहिस्ता आहिस्ता, ओ हो तो भाई ये तो बहुत ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, पता नहीं अभी है या नहीं, पार्किंग बना दी गई, ये बिल्कुल सामने पार्किंग बनी हुई है, ये बड़ा खुशादा पार्क है, यहाँ पे घास वहाँ सब चीज़ें थी। तो दोस्तों पार्क की सूरत हाल देख लें भाई आप लोग, मस्जिद अल फारूक बहुत फेमस मस्जिद है यहाँ की,
मस्जिद अल फारूक की तरफ पहुंच चुके हैं, तो अब हम कहां जाएंगे? राइट साइड टर्न ले लेते हैं। अबूरिया गोट की वो गली है जो कि किसी शाहरुख को मोहताज नहीं थी, लेकिन आज ये मुंतजर है अपने हुक्मरानों की तरफ झांक रही हैं और आवाम को मुंह चढ़ा रही हैं। तो दोस्त मेरा जो है बहुत जज्बाती हो चुका है और बरस पड़ा है हुक्मरानों पर, बरस पड़ा है उन लोगों पर जिनके ये सड़कें उसके मुंतजर है। हाँ, रबर वो बन रही है, रबर 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 कारखाने बन रहे हैं भाई यहाँ पे कारखाने। तो यहाँ पर कसीर तादाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब इसको कहते हैं, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया है ये बंगोरिया गोट है। कैफे बंगोरिया? हाँ नहीं, ये बंगोरिया कैफे बंगोरिया इसका नाम रख दिया, यहाँ पे मलबारी का होटल था। मलबारी का होटल था पहले? हाँ, इसके पराठे बड़े मशहूर। क्या बात है यार, क्या पराठों के नाम ले दिए और दिल ललचाने लगा। और इस वक्त सुबह ही सुबह से हम लोग घूम रहे हैं और हर इलाके से अपडेट कर रहे हैं और अपडेट के ऊपर एक अपडेट करे जा रहे हैं। यहाँ पे 6 पार्क हुआ करते थे, अब जिसमें से एक भी नहीं है, बल्कि एक बचा हुआ है, ये एक बचा हुआ है। बिल्कुल भाई, पार्क की हालत भी बहुत खराब हो रही है, जानवर बंधे में जानवर। अच्छा, एक नाम हुआ करता था हमारा जमाने में और अब शर्म आ रही है मुंह दिखाने में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अपनी आवाम को भी सोचना पड़ेगा, उसको भी अपनी हालत दुरुस्त करने के लिए ना अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुरुस्त नहीं करेंगे तो मामला ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, अगर दुरुस्त नहीं किया तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब तक ख़राब होते चले जाएंगे। बंगोरिया गोट इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बंगोरिया गोट में, तो निकल आए हैं बंगोरिया गोट से। ओए होए, फाटक, ये फाटक किधर है भाई? ये ईसा नगरी पे निकलेंगे, बिल्कुल सामने। और क्या ही अंदर ही अंदर, और कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर और गुरु मंदिर, तो फाटक निकले। इंशाल्लाह दिन बदलेंगे और आगे निकलेगा, हर चीज़ तरक्की की तरफ गामजन होगी। ये यहाँ का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कमर्शियल एरिया आ गया, यहाँ पे सारी दुकानें वकानें आपको मिल जाएंगी। यहाँ तो पूरा कारोबार खुला है, कारोबार खुला है। बेसिकली ये इलाका ही वो है ना, ये मार्केट, ये तो खुली रहेगी। मेन मार्केटों के अंदर ना एहतियात की कॉल की गई थी ताजर अलायंस की जानिब से, पता नहीं कौन कौन सी ताजर है, उन सब ने ये बात बोली थी कि हम कल हड़ताल करेंगे और हम किसी को दुकान नहीं खोलने देंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे दिहाड़ीदार तबका है वो जो है ना पिस जाता है चक्कर में, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही, तबका बेचारा भी हमने आपको चौंगी होगी, क्या आपने शूट करा होगा, चाहे लाइन से बैठे बैठे वो और वो मुंतजर थे अपनी दिहाड़ी का कि वो दिहाड़ी लगाएं तो बच्चों के लिए रोटी खरीद के लेके जाएं। क्योंकि कराची में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो रोज़ दिहाड़ी लगा करके अपने बच्चों के लिए खाना और दूसरी तरफ सौदा लेके जाते हैं। शाहर साहब, आपको इलाका कैसा लगा? आप इस इलाके के बारे में क्या आपके कमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल, मुझे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर आगे मेरी बाइक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सीने में तकलीफ हो गई है उछल उछल कर। इस इलाके में मेरा बचपन गुजरा है। ओह क्या बात है, ये वजह है कि मुझे यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, तो मेरा इलाका है मुझे बुरा लग रहा है इसका हाल देख के, इसलिए मैं थोड़ा सा हुक्मरान पे बरस पड़ा हूँ। और जो यहाँ से सियासी पार्टियाँ जीतती हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आपको ये काम करवाने पड़ेंगे भाई। साथ के लोग थे वो इस इलाके को छोड़ के जा चुके हैं, वजह सिर्फ यही थी कि यहाँ पानी भी नहीं है और यहाँ दो ढाई घंटे की लोड शेडिंग है और रोड का हाल आपने देख लिया। तो ये लगती है फर्नीचर मार्केट, ये फाटक था, ये फाटक है, ये फाटक है, ये रेलवे फाटक यहाँ से बिल्कुल सीधा होता हुआ यहाँ से ऐसे जाता था। अच्छा, लेकिन अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, हमें तो उल्टे हाथ पे जाना है दोस्तों। तो यहाँ से रेलवे फाटक गुजरता था और इस वक्त ईसा नगरी से जा मिले, और यहाँ पूरी मार्केट की फर्नीचर की अभी भी है और यहाँ पे एक पहले मार्केट लिया करती थी। हाँ, इमरान फर्नीचर हाउस,
बच्चों के खिलौनों की, कपड़े, लेडीज सब चीज़ें मिलते थे यहाँ पे, बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन अभी सिर्फ फर्नीचर की रह गई है। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, ये नाजायज मार्केट है, सजावटात है, एंक्रोचमेंट में शुमार है, एंक्रोचमेंट में शुमार होती है। ये फाटक की ज़मीन पर बनी हुई है और सारे पथारे हैं, कोई पक्की दुकान नहीं। हिम्मत देखिए बाबा की, कितनी दूर से लग रहा है पैदल चलकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ईसा नगरी में बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं और काफ़ी सारी बातें आज हमारे दोस्त के साथ हमने शेयर करी, लेकिन आवाज़ का थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आएगा तो थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करिएगा, उसके लिए मैं बहुत माजरत खाऊँ आप लोगों से। और बंगोरिया गोट जो है एक यादगार है मेरे दोस्त के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा से जज्बाती हो गए। जाहिर सी बात है, जब मैं इलाकों को देखता हूँ, और ये इलाका मेरा इलाका नहीं, ये पूरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा शहर है, मेरा शहर है कराची। और क्या बात है कराची, इसकी बारिश हो या इसकी गंदगी, वो सब मुझे मंजूर है, पर ये जो गंदगियाँ हैं वो सिर्फ हुक्मरानों का कसूर है। तो भाई आप लोग इसका ख्याल रखिए, मैं हम कराची का ख्याल रखेंगे, आप अपने अपनी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखिए। और बच्चे जो हैं छतरी लगा के बिल्कुल जा रहे हैं, और भाई कहाँ जा रहे हैं भाई, छतरी लगा कर एंजॉय कर रहे हैं बच्चे इस वक्त, बारिश हो रही है, छतरी ले आए, बारिश में नहाना चाहिए तुम्हें तो। बच्चों को बिल्कुल मज़ा आ रहा है और छतरियाँ लहरा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ईसा नगरी पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत सारी आज बातें हुई हैं और यक बाय यक अपडेट्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई जगह पर। मुझे इजाज़त दीजिए, और हर जगह की आपको बारिश दिखा रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में।